तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो मैं बताता हूँ, रात को, रात के समय में अंधेरे में आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे आप चला रहे हो ये कार, आप रात में कार चला रहे हो दोस्तों, तो आपको खासकर एक चीज़ का ध्यान रखना है। जो आपको यहाँ पे ये वाली सफ़ेद पट्टी दिखाई दे रही है दोस्तों, आपको अपना, अभी मैं लेफ्ट साइड में आपको अपना टायर जो है इस वाली पट्टी पे दोस्तों, ये वाली जो सफ़ेद पट्टी दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा हटा के इसके साइड में आपको कार लेके चलनी है। और रात को हो सकता है तो रफ्तार कार की थोड़ी कम रखें दोस्तों, तेज ना चलाएं, क्योंकि रात के अंधेरे में अधिकतर आदमी जो है आपको मिलेंगे दारू पिए हुए, ड्रिंक करके ड्राइव करते हुए। ठीक है, तो दारू पीने वालों से बचना। आप अच्छी तरह से गाड़ी चलाओगे मगर आपको दूसरा कोई आगे ठोक सकता है, इसलिए आपका दिमाग जो है कॉन्सनट्रेट, दिमाग का माइंड पूरा रोड के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं हो कि बॉडी प्रेजेंट है और माइंड अब्सेंट है, ये गलती कभी नहीं करना, नहीं तो आप तो नुकसान करोगे, दूसरों को भी करोगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने जैसे ये मेरी गाड़ी का फोकस है सामने, मान लो सामने से कोई कार आ रही है, तो आपने क्या करना है, इसको एक बार डिप्पर मारना है। डिप्पर क्या होता है, ये आपका स्टेयरिंग के बगल में लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसको आपने एक बार ऐसे करना है, ये देखो। ठीक है दोस्तों, ये इससे क्या हो गया, लाइट डाउन हो गई। लाइट डाउन होने से क्या फ़ायदा मिलेगा, जो आगे से कार आ रही है दोस्तों, उसको भी जो है कि कम, जो है कि उसके भी आंखों पे कम लाइट पड़ेगी, आपकी भी आंखों पे कम लाइट पड़ेगी, वो भी डिप्पर मारेगा, आप भी मारोगे, तो उससे क्या होगा, लाइट का फोकस, ये देखिए अभी तेज होगी लाइट, अभी ये डाउन होगी, देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फास्ट लाइट है और यहाँ पे हमने कर दिया, लाइट डाउन होगी नीचे को। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ रखनी है कि आपको उसको भी डिप्पर जरूर इस्तेमाल करना दोस्तों, नहीं तो आपकी कार कहीं भी खड्डे में जा सकती है, कहीं एक्सीडेंट हो सकती है। इससे बचने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, डिप्पर रात को जरूर इस्तेमाल करना, कोई करे ना करे आपको जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। और रात में आपको यही वाली जो सफ़ेद पट्टी आपके सामने दिखाई दे रही, यही आपको रोड पे मेन जजमेंट है दोस्तों, इसको आप पकड़ के चलते रहो। मैं बता रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं होगा भाई मेरे, आप इसको बस पकड़ के सीधा चलते रहो, जहाँ तक आपको जाना है इसको पकड़ के चलते रहो। ये सफ़ेद वाली पट्टी है, ये इसीलिए बनाई हुई है, दिन में भी रात में भी लोगों को पता चले, जो साइकिल मोटरसाइकिल वाले हैं वो इस पट्टी से इस साइड चलेंगे, और जो कार वाले हैं वो इस पट्टी को क्रॉस नहीं करेंगे, इसके पट्टी के इधर ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है इसका बनाया हुआ कि साइकिल पैदल चलने वाले इस साइड जा सकते हैं, मगर इसको सफ़ेद इसलिए किया है कि रात में ये हम लोग को दिखाई दे कि हमको इस पट्टी को पकड़ के चलना है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हो गाड़ियां जा रही हैं आपके सामने, कोई भी इस पट्टी को इधर से क्रॉस नहीं करेगा, सब इस पट्टी के बीच में रहेंगे। ठीक है, तो रात में हो सकता है दोस्तों, तो आप कार धीरे चलाएं, बहुत धीरे चलाएं कार को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि घर में कोई वेट कर रहा होता है आपका, और इससे लिए आप रात में हाई स्पीड चलाने की कोशिश मत करें, क्योंकि रात का जो टाइम होता है रात का ही होता है दोस्तों, कोई भी कहीं से भी निकल सकती है गाड़ी, कोई कहीं से। लाइटों का फोकस मुंह पे बहुत आता है, इससे बहुत दिक्कत होती है रोड पे चलाने में। ठीक है, अच्छे खासे आदमी को दिखाई नहीं देता, तो जिसकी थोड़ी नज़र कमज़ोर है तो वो कहाँ से देख लेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप गाड़ी चला रहे हो रात में चलाइए, आपको मैं बता रहा हूँ 40-50 की स्पीड रात में, नाइट में बहुत होती है दोस्तों। ठीक है, 50-60 की स्पीड बहुत होती है, खासकर रात में। आप दिन में गाड़ी चला रहे हैं तो 80-85 तक ले जा सकते हैं, ठीक है, मगर रात में अगर आप चला रहे हैं तो दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा कि आप धीरे गाड़ी चलाओ, 40-50 की रफ्तार में चलाओ, 50 तक। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक डाल रखी गाड़ी सीखने की, आप गाड़ी सीखना, बहुत जल्दी गाड़ी सीख सकते हो इस वीडियो को देख देख के। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करते जाना दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।